हेलो दोस्तों, वैदिक मैथ्स स्कूल के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देखा है और समझ गए होंगे, मैं आपको बताऊं, यह वैदिक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे अंत तक देखना चाहिए और समझना चाहिए इस वीडियो को, और इसे आप एकेडमिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विथ फोर डिजिट नंबर। तो हमने आपको बताया था पहले भी, पहले के क्लास में, कि जब आपका टू डिजिट का नंबर हो तो आप स्टेप क्या, कहाँ से शुरू करते थे। पहले आप लेते थे वर्टिकल लाइंस, फिर क्रॉस लाइंस एंड फिर वर्टिकल लाइंस, यही होता था हमारा स्टेप। और ये कब होता था? फॉर टू डिजिट नंबर, फॉर टू डिजिट। जब हम थ्री डिजिट लेते थे, थ्री डिजिट नंबर, तो यहाँ पे हमारा होता था वर्टिकल लाइंस, क्रॉस लाइन, क्रॉस वर्टिकल, फिर क्रॉस और फिर ये वर्टिकल लाइंस। एक्चुअली ये सब मल्टीप्लिकेशन होते थे। यहाँ पे क्या होता था, एक दूसरे, पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ और सभी ऐड हो जाते थे जो भी रिजल्ट आया, है ना। यहाँ सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई हुए प्लस ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होकर दोनों ऐड हो जाते थे। अब हम करते हैं फोर डिजिट नंबर के लिए। अब हम क्या सीखने वाले हैं फोर डिजिट नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, सब कुछ सिंपल ही है। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज हमारा एक नंबर है 1, 2, 3, 4 और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 4, 3, 2, 1। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो देखो ये वर्टिकल लाइंस के साथ होगा, देखो तो ये हमारा वर्टिकल लाइंस हो गया। अब हमारे इस दोनों के साथ क्रॉस लाइन के साथ होगा तो क्रॉस लाइन हो गया, तो ये क्रॉस और ये वर्टिकल, तो हमारा जो अगला स्टेप क्या हो गया, क्रॉस क्रॉस वर्टिकल। अब हमारा एक और वैल्यू है तो क्रॉस 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 क्रॉस, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा क्रॉस क्रॉस, फिर ये बड़ा वैल्यू क्रॉस था और यहाँ पे अब छोटा क्रॉस है, समझे। तो ये कैसा होगा, ये क्रॉस एंड अगला जो क्रॉस होगा वो होगा इस दोनों का आपस में क्रॉस, इस दोनों का क्रॉस, ठीक है। पहले तो हमने किसका लिखा, लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, इस लास्ट वाले का इस लास्ट वाले के साथ और बीच वाले का आपस में लिख दिया। अब हम लास्ट स्टेज तक पहुंच गए जहां पे हमने लास्ट वाले वैल्यू भी कवर कर लिया, तो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि रिड्यूस कर देना है इस वाले वैल्यू को, यहां से अब ये हट जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब जो हमारा होगा क्रॉस क्रॉस और वर्टिकल होगा तो ये इस तीनों नंबर्स के लिए होगा, तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्रॉस क्रॉस वर्टिकल, यानी ऐसा ही होगा। लेकिन ये था फर्स्ट थ्री पार्ट के लिए और ये जो है यह लास्ट थ्री पार्ट के लिए, यानी फर्स्ट वाले को एलिमिनेट करके। अब हमने इसको भी एलिमिनेट कर देना है तो अब दो ही क्रॉस, सिर्फ क्रॉस ही होगा, और अब इसको भी एलिमिनेट कर देना है तो ये सीधी लाइन ही हो गई हमारी। तो टोटल स्टेप कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसा नहीं आप ये जल्दी कर लोगे। हाँ, ये जो आप समझ रहे थे जैसे कि टू डिजिट में, जैसे कि आप समझ रहे थे थ्री डिजिट में आसानी से हो जाता था, इतना लंबा स्टेप नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर हम इसे करें तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड है, मैं करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, अब हमने इसे करना किससे, 4, 3, 2, 1। अब फर्स्ट स्टेज क्या है, हमें कुछ याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली वो उसे याद भी नहीं रखते, ये जो पिक्चर है ना इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन को पहले दिखाया, यहाँ पहले क्वेश्चन दिखाया है और आपको बताया है कि कैसे मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं पहले ये स्टेप लिखूँ और फिर आपको ये बताता, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले क्वेश्चन प्लॉट किया फिर मैंने उस स्टेप को बताया। देखो होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट टू डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4:1 क्या होगा हमारा, 4 होगा, 4:1 4 होगा। अब जब फर्स्ट टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हम एक अलग कलर से करते हैं आपको समझ में आएगा, तो इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में जोड़ देंगे तो 3:1 कितना होगा, 3 एंड 4:2 दैट इज 8, तो 8 एंड 3 11, तो 11 होगा, तो हमारे इसको हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है और 1 हमारा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा इसका और इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 2:1 कितना होगा, 2, 3:4 कितना होगा, 12, 12 प्लस 2 तो 14 एंड 3:2 = 6, तो 14 प्लस 6 20 एंड कैरी फॉरवर्ड 1 तो कितना हो गया हमारा वैल्यू, 21। देखो मैंने क्या किया, 2 को 1 से किया तो 2, 4 को 3 से किया तो 12, तो हमने 2:1 प्लस 4:3 प्लस
3:2 किया, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 12 हो गई, इसकी वैल्यू 6 हो गई, सबको ऐड करो कितना होगा हमारा आंसर 20। और हमारे पास कैरी फॉरवर्ड वैल्यू भी था तो हमारा टोटल कितना हो गया 21। तो हमारा अब कैरी फॉरवर्ड कितना है 2। अभी हम बढ़ाते जा रहे हैं, मैंने पहले 4 और 1 का किया, फिर 3 और 1 और 4 2 का किया, अब 2 1 4 3 एंड 2 हो गया। अब हमें फिर से नए वैल्यू को ऐड करना है, ये वाले वैल्यू को। इस बार हम क्या करने वाले हैं, नए वैल्यू को ऐड करेंगे, तब इस बार हम 1 को, देखो हर बार हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जिसको हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं उसको हम इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम 4 को 1 से किए सबसे पहले, अब अगली बार 3 को 1 से किए और रिमेनिंग जो 4 था ना उसको 2 से कर दिया। अगली बार क्या किया, इस 1 को फिर से हम करेंगे, किससे किया, जो नया हमने ऐड किया 2 से, तो 2 को 1 से किया तो इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से किया। पढ़ाई करो, हम यहाँ पे कह रहे थे 2 को 1 से करें और 3 को 4 से करें एंड 3 को 2 से करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा वैल्यू आ गया 20 एंड कैरी फॉरवर्ड 1 था तो 21। अब अगली बार जो है ना फिर हम नया नंबर ऐड कर रहे हैं तो फिर हम इसको 1 को 1 से करने वाले हैं और फिर इसके जो नीचे है, इसके जो ऊपर है, इसके जो नीचे है, उस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा स्टेप होने वाला है, ये 4 स्टेप है, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हमारा ये 1 हो गया, 16 17 प्लस 4 21 प्लस 9 30, वी हैव अ कैरी फॉरवर्ड 2, सो इट विल बिकम अ 32, ठीक है। अब हमारा प्लस 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब देखो हमने लास्ट तक पहुंच गया ना, 1 को 1 से किया, अब हम लास्ट तक पहुंच गया, तो इस केस में अब हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, इस वाले सेक्शन को यहाँ से इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा सिर्फ यही पार्ट होगा और ये अब फर्स्ट हो गया, तो जब फर्स्ट ये है और लास्ट ये है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये 2 आएगी, 12 आएगी एंड 6 आएगी, ऐड करो कितना होगा हमारा 20 होगा एंड प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 23 कैरी फॉरवर्ड प्लस 2। अब हमारा ये पार्ट भी एलिमिनेट हो गया, जैसे हमने लास्ट वाले से इसका मल्टीप्लाई किया हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब 3 को 1 से करना है तो 3 1 3 4 2 8, 8 एंड 3 हो गया हमारा 11 एंड कैरी फॉरवर्ड 2, तो इट विल बी अ 13। सो नाउ आई हैव 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 4:4 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, सो इट विल बी आंसर। सो हमारा आंसर कितना हो गया 5:3:3:2:1:1:4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं इस बार कोई और दूसरा वैल्यू लेते हैं 2146, ये हमारा 2146 है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3215 ले लेते हैं, 3215। अब हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं सारे नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, अगर आप मुझे देखो तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ 6 को 5, तो हमारा 30 है, कैरी फॉरवर्ड 3 कितना होगा ऐड करने पे 6 + 20 26 + 3 29 आपको ऐसे करना है, लेकिन आप जब भी ऐसा कहो 6 × 2 तो उसको आप करके रख लो, कितना होगा 6 × 12 + 5 + 17 + 4 तो 21 कैरी, नाउ वी हैव अ 2 कैरी फॉरवर्ड, गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, अब 2 × 5 हां 2 × 5 10, 6 × 3 18, तो 10 + 18 दैट इज 28 एंड 1 is to 1 1 1 तो 29, 4 is to 2 8 to 29 + 8 37 and plus 2 37 + 2 37 + 2 carry forward 39 and now we have a plus 3 carry forward और चूंकि हमने last तक पहुंच गए थे तो हाँ 2 is to 2 and 4 is to 3 12 तो 12 + 2 14 okay 16 plus 3 carry forward it's a 19 now I have a plus 1 carry forward so now 2 into 2 4 7 + 8 okay and then 2 into 3 6 and this is the answer। तो ये इतना ही आसान है, जैसे अब 38 है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 24 से, तो इसमें होता क्या है, देखो सेम प्रोसेस यहाँ भी काम करेगा। अब आपको लगेगा कि ये कितना इजी है, जब आप ये कर लिए ना हार्ड वन,
तो आपको ये लगेगा बहुत ईजी। ये तो सिर्फ 3 स्टेप है, 8 × 4 करना है, 8 × 4 = 32, मेरे पास 3 कैरी फॉरवर्ड एंड 4 × 3 = 12 एंड 8 × 2 = 16, तो 12 + 16 = 28 + 3 = 31, अब हमारा ये 1 हो गया, 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 × 2 = 6 एंड 3 = 9 आंसर। यही है ना, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले इस 4 को 8 से किया, फिर 4 को 3 से किया और 8 को 2 से किया, फिर 2 को 3 से किया, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे एक और वैल्यू लेते हैं, हम लेते हैं 123 लेते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 321 से। अभी आप यहाँ देखो, फिर से हम 1 को 1 से इसको करेंगे, फिर 1 को 2 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, जैसे हमने यहाँ भी किया था। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 + 2 = 8 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 को 1 से करने वाले हैं, तो 1 3 को 3 से 9, तो 9 + 1 = 10 एंड 2 × 4 तो 10 × 4 = 14, तो हमारे पास 4 हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड 1। अब देखो हमने 1 और 1 लास्ट तक पहुंच गया ना, 3 लास्ट तक पहुंच गया, तो अब इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे, अब हमारा जो वैल्यू होगा इसी दोनों में आएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 6 + 2 = 8 एंड कैरी फॉरवर्ड 9 1, तो दैट इज 9 एंड नाउ इट दिस विल ऑल्सो एलिमिनेटेड, सो आवर फाइनल वैल्यू इज 3:1 इज दैट इज 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है अंत इस वीडियो का, हमने इस टॉपिक में डिटेल में आपसे बात की है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है, फिर हमने प्रोसेस को समझाया है, कैसे आप टाइम को बचा सकते हो, कैसे आप एरर को कम कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट वीडियो आपको देखने के बाद जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समझने में कोई दिक्कत हुई है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी आप आ सकते हो, जहाँ पे हमारे चैनल वैदिक मैथ स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको फ्री में कंटेंट, प्रैक्टिस सेट्स, PDFs, ई-बुक्स समय समय पे मिलता रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, धन्यवाद।